वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज जो आप बोर्ड मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये एक बहुत ही स्पेशल बोर्ड है। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए, लेआउट वगैरह देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर ये बोर्ड है। बेसिक वर्किंग की बात की जाए तो ये एक प्रीएम्प है, लेकिन इस प्रीएम्प में कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर इस बोर्ड को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये 5.1 प्लस 2.1 डिजिटल डिकोडर प्री एम्पलीफायर है, जिसमें आपको ऑप्टिकल यानी कि टॉस लिंक, कोएक्सियल, एचडीएमआई, एआरसी एंड ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी मिलती है। साथ में ही आपको यूएसबी की भी फैसिलिटी इसमें मिलती है। और इस तरह का बोर्ड बहुत ज़्यादा दिनों से मैं रिव्यू करना चाहता था, लेकिन इस तरह का बोर्ड नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कंज्यूमर्स की बहुत सारी डिमांड्स को देखते हुए कि मुझे ब्लूटूथ भी चाहिए, यूएसबी भी चाहिए, 5.1 भी चाहिए, 2.1 भी चाहिए, सारी चीज़ों को एक बोर्ड में डाल दिया गया है। लेआउट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रिबल का कंट्रोलर है, यहाँ पर एक बेस का कंट्रोलर है, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ पर इंफ्रारेड रिसीवर लगा है, यानी कि इसमें रिमोट भी काम करता है। और बैक साइड में एक डीसी इनपुट लगा हुआ है, एक एचडीएमआई लगा हुआ है, एक यूएसबी लगा हुआ है, एक ऑप्टिकल लगा हुआ है और एक कोएक्सियल इनपुट लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके इनपुट का काम करती हैं। यहाँ पर नीचे कनेक्टर लगा हुआ है जिससे आप 5.1 का ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी इंडिया में कोई इस तरह का प्री एम बोर्ड नहीं है जिसमें एक साथ इतनी सारी फंक्शनलिटी दी है। इससे पहले कि इसको टेस्ट वगैरह हम करें, इसका डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इस बोर्ड में एक एचडीएमआई इनपुट आप दे सकते हैं जो कि एआरसी यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल को सपोर्ट करता है, एक कोएक्सियल इनपुट दे सकते हैं जो कि आपके टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह से आ सकता है, एक ऑप्टिकल इनपुट दे सकते हैं, एक ऑक्स इनपुट भी दे सकते हैं। देखिए, ऑक्स में आपको बताना भूल गया था, यहाँ से आप इसको ऑक्स इनपुट भी दे सकते हैं। और जितने भी आपके इनपुट हैं ये आप अपने रिमोट के थ्रू डिफरेंट सोर्सेज को स्विच कर सकते हैं। और इसका रिमोट भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी मार्केट में नॉर्मल मिलने वाला रिमोट जो इस तरीके का मिलता है, हार्डली इनकी प्राइस 25-30 रुपीज़ आती है, इस रिमोट से इसके फंक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं। तो रिमोट का भी कोई हेडेक नहीं है कि खो गया या ख़राब हो गया तो कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ये एचडीएमआई एआरसी आउटपुट भी कर सकता है, ऑप्टिकल आउटपुट भी कर सकता है, कोएक्सियल आउट भी कर सकता है। तो सारे पोर्ट इसके जो हैं इनपुट के साथ आउटपुट का भी काम कर सकते हैं। और जो भी इसमें एचडीएमआई के थ्रू आपका सिग्नल आएगा उसको ये 5.1 या 2.1 में डिकोड कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिमुलेटेड 5.1 है, रियल 5.1 नहीं है इसके अंदर। और ये जो यूएसबी लगा हुआ है इसकी भी एक बहुत स्पेशलिटी है, ये अगर आप पीसी वगैरह के साथ जोड़ेंगे तो साउंड कार्ड का काम भी कर सकता है। और अगर कोडेक्स की बात करें तो ये डॉल्बी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन डीटीएस, डीटीएस ईएस, वेव, फ्लैक, एएसी, विंडो मीडिया वीडियो, MP3, MP4, इन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। और इस तरह के रिमोट में जो आपका मोड बना हुआ है या सोर्स बना होता है उससे आप इसके मोड स्विच कर सकते हैं। और पावर सप्लाई आप इसको 10 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की दे सकते हैं। और थोड़े पास से इसको हम देखते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक मेन डिकोडर आईसी है जिसका नंबर मिटा दिया गया है, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऑप एम्प लगे हुए हैं जो कि बेस और ट्रिबल के फंक्शन में काम आते हैं। और यहाँ पर इसमें कुछ जम्पर लगे हुए हैं, जैसे आपको यहाँ से 2.1 5.1 सेलेक्ट करना है। इंक ओशन ने इसको बनाया है और इंक ओशन का नया नाम IoT ऑडियोज हो गया है। अभी जो भी बोर्ड आपको मिलेंगे वो IoT ऑडियोज के नाम से मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको पावर अप करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें डिस्प्ले में हमारी आती है। तो यह 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास अडाप्टर के थ्रू। ऑन करता हूँ मैं, अब देखिए हाई फाई का लोगो आ गया और ऑक्स पर हमारा रुका हुआ है। और यहाँ से अगर मैं मोड चेंज करता हूँ, देखिए BT आ गया, ऑप्टिकल आ गया, कोएक्सियल आ गया, ऑक्स आ गया। और यहाँ पर पेन ड्राइव अगर आप लगाएंगे तो अपने आप उस मोड में चला जाएगा। इसके बारे में और भी डिटेल जानते रहेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं। पहले इसको हम एक एम्पलीफायर से जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस एम्पलीफायर को पीछे से, बिकॉज मेरे पास इस तरह का पर्टिकुलर कनेक्टर नहीं है, लेकिन आपको कनेक्टर मिलेगा, तो यहाँ से लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड है तो लेफ्ट राइट मैंने एक दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर दे दिया है। ये मेरा एक छोटा सा एम्पलीफायर है, ये IoT ऑडियोज़ के नाम से आएगा तो उससे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल में मैंने कनेक्ट कर दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि सारे मोड इसके दिखा सकूँ। देखते हैं अब इसके बाद किस तरीके की आवाज़ आती है। ये कंट्रोल्स मैं कम कर देता हूँ, आप ईयरफोन लगा लीजिएगा तभी अच्छी ऑडियो आपको आएगी। I'm gonna go to the next one.
वेस ट्रिबल है, ये बहुत शार्प ट्रिबल है, फुल में नहीं कर पाऊंगा। बेस बोर्ड में ट्रिबल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता नहीं कि 40% से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ऑडियो आप देख रहे हैं रिमोट कंट्रोल से काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया आवाज है, यहाँ से मोड हम स्विच कर सकते हैं। देखिए ऑप्टिकल मोड पर आ गया है ये, और एक बार और दबाता हूँ तो को एक्सीएल पर आ गया। लाइन मोड, ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ में कोई नॉइज नहीं है, बाकी सारे मोड पर ये इंडिकेट करता है आपको। ब्लूटूथ पर ये ऑटो कनेक्ट हो गया। पेन ड्राइव से लगाते ही यहाँ पर यूएसबी इसने लिख दिया और सॉन्ग प्ले हो रहा है। यूएसबी यहाँ पे मार्किंग आ रही है, यहाँ से मैं ट्रैक भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए 3-4 मैंने ट्रैक रखे हैं इस पेन ड्राइव में। नेक्स्ट, तो इस तरीके से पेन ड्राइव से भी आप बजा सकते हैं। और ये HDMI और ऑक्स मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा टेलीविजन पास में नहीं है, बट ये फंक्शन भी काफी अच्छे तरीके से काम इसमें करते हैं, इसका आप यकीन रखिए। और बड़े इनोवेटिव तरीके से बहुत सारे फंक्शंस को एक बोर्ड में डालकर इस बोर्ड को डेवलप किया गया है। तो इस तरीके का अगर कोई प्रीएम्प आप बहुत लंबे टाइम से खोज रहे थे तो आपकी खोज पूरी हो गई है, और इस तरह का प्रीएम मैं भी चाहता था यूज करना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में भी अब इस तरह की चीजें मिलने लगी हैं, क्योंकि पहले इस तरह का आइटम मिलना ऑडियो फील्ड में स्पेशली बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बोर्ड काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक तरीके का बोर्ड है। और अगर आप इन सारे फंक्शंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको खरीदने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है इस बोर्ड के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, ओके, टाटा एंड बाय।